कोकोनट कटिंग। रघुराजपुर के गांव में आजराज कहकर एक जमींदार हुआ करता था। आजनाथ गांव वालों को जो भी फैसला सुनाता था वो कहावत के रूप में ही कहता था। एक बार एक बूढ़ा आदमी आकर, मेरा खुद का बेटा मुझे धोखा दिया है, मेरे खेत और घर को चुरा कर मुझे सड़क पर फेंक दिया है जमींदार जी। हमारे ही दीप है कहकर मुंह में रखा तो क्या होगा, मुंह जल जाएगा ना। तब वो बूढ़ा आदमी को कुछ समझ में नहीं आया। आपको ही मुझे कुछ ना करना होगा। अंडे सेवा कोई, बच्चे लेने कोई। बूढ़ा आदमी को कुछ समझ में नहीं आया और उधर से चला गया। और एक किसान, हुजूर पिछले महीने खेत में कीड़े हमले किए थे, बैंड बजाकर उनको कैसे भी भगा दिया, इस साल तो बड़े बड़े हाथी हमला कर रहे हैं हुजूर, आपको ही कुछ उपाय सोचना होगा। अंडा बहुला कीचड़ काया, अंडी पीसे कुत्ते काया, और क्या कर सकते हैं। और नेक्स्ट। ये कैसे आदमी है, सलाह पूछे तो कहावत बोलता है, इससे कहने से कुछ भी नहीं होता है, मैं ही कुछ उपाय सोचता हूँ, कहकर चला गया। एक बार आकर कहकर एक मोटा सा आदमी आदिनारायण के पास आकर उनको एक चिट्ठी दिया। उस चिट्ठी में, मेरे प्यारे आदिनारायण, तुम्हारे चड्डी का दोस्त शंकर लिख रहा हूँ। अब तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो मेरा इकलौता बेटा आकार है। इसका नाम की तरह उसका बॉडी बड़ा है लेकिन कोपड़ी छोटा है, इसलिए हमारे गांव में कोई भी उसे नौकरी नहीं दे रहे हैं। इसलिए कृपया करके मेरे बेटे को तुम्हारे पास काम पर रख लो, तुम्हारे साथ रहा तो उसका कोपड़ी खुल जाएगा कहकर मानता हूँ, धन्यवाद, कहकर लिखा हुआ था। अरे तुम तो मेरे चड्डी दोस्त शंकर के बेटे हो, तो तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। मैं पहले तुमको छोटे छोटे काम सिखाता हूँ, बाद में बड़ा काम सिखाता हूँ। मैं जो बोलता हूँ बस वैसे ही काम करना है, बस अकल तो अपने आप आ जाएगा, अकल का झकल में जिंगा ला ला। जरूर अंकल, आप जैसे कहते हो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, देखते रहो। एक दिन आदिनारायण आकार को एक टिफिन का बक्से दिया। सुनो ये मछली का सब्जी मेरी बेटी को बहुत पसंद है, वो बगल वाली गांव में रहती है, मालूम है ना, तुम जाकर उनको दे दो। ठीक है अंकल, कहकर जा रहा था। क्या पैदल जाओगे, ऐसे चलते गए तो सब्जी खराब हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम उस घोड़े के ऊपर जाना, दो पैर से चार पैर बेहतर है ना। तब आकार घोड़े पर चढ़े बिना चलते हुए लेके जा रहा था। ऐसे ही वे घोड़े के साथ गांव पार करके जा रहा था। आखिर रात 1 बजे को आदिनाथ का बेटी के घर पहुंचा और दरवाजा को खटखटाया। तब आकर उस लड़की से, आपके पिताजी ने आपके लिए मछली का सब्जी भेजा है, लीजिए। ये क्या, मेरे पिता तो दोपहर को 1 बजे को भेजा था ना, लेकिन तुम तो रात को 1 बजे को लेके आया, कहकर टिफिन बक्से को ओपन किया और छी छी भास मार रहा है, कहकर उस बक्से को फेंक दिया। आकर अगले दिन घोड़े के साथ पैदल से आदिनाथ घर पहुंचा। अरे किधर चला गया, बीच रात में पहुंचाई कहकर मेरी बेटी ने फोन करके मुझे बताया, फिर घोड़े के ऊपर सवार करे बिना पैदल क्यों गया। आप दो पैर से चार पैर का तेज ज्यादा होता है कहते ना, मैं चार पैर से 6 पैर को ज्यादा तेजी होता है कहकर सोचा, इसलिए मैं और घोड़ा दोनों पैदल गए थे। अरे तेरी अकल में मेरी शकल, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे पिता तुमसे छुटकारा पाने के लिए मुझे चिपकाया। और एक दिन आदिनाथ आकार को बुलाकर, रे उधर पड़े हुए नारियल को तोड़कर पानी निकालो, आज हमारे घर को बड़े बड़े मिनिस्टर लोग आ रहे हैं, कहकर फोन में किसी से, छोटा शाम को भी बड़ा सा चड़ी लेकर मारना है। ओहो अंकल ने जो बोला वो समझ में आया, छोटा नारियल को बड़ा सा चाकू से मारना चाहिए, अब तो मुझे बाहुबली जैसा तलवार चाहिए, सोचा। कुछ देर के बाद आदिनाथ के घर कुछ मिनिस्टर लोग आए थे, वे सब आकर बैठ गए थे। सुना है कि आपका खेत का नारियल पानी बहुत स्वादिष्ट रहता है, हमको भी थोड़ा पिला दीजिए ना। आपके लिए ही सर मैं अच्छे अच्छे से नारियल चुन चुन कर मंगवाया हूँ, कहकर धूर कड़े आकार से, रे आकार नारियल को काटो। तब आकार एक बड़ा सा तलवार लेकर नारियल को आधे में काटा। रे ये क्या कर रहे हो। तब आकर उनको बात सुने बिना सब नारियल को काट रहा था। तब नारियल का पानी पूरा नीचे गिर गए थे, वो काटना ही नहीं रुक रहा था। रुको रे रुको, अरे भाई रुको, कहकर चिल्ला रहा था। इतने में उन मिनिस्टर को गुस्सा आकर खड़े हो गए थे। घर को बुलाकर हमारे बेइज्जती करते हो, नारियल पानी पिलाऊंगा कहकर पानी को जमीन पर फेंकते हो, अब आपको हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट इस जिंदगी में नहीं मिलेगा, और उधर से चला गया।
आदिनाथ बहुत गुस्सा होकर आकार के पास गया। ये तुम क्या कर रहे हो? आपने ही कहा था ना अंकल कि छोटे सांप को भी बड़ा सा डंडा लेकर मारना चाहिए, इसलिए नारियल को भी मैंने बड़ा सा तलवार लेकर काटा। और आपने कब कहा कि इसमें से पानी निकाल के ग्लास में भरना है? आदिनाथ वो सुनकर घस खाकर गिर गया। उस दिन से लेकर आदिनाथ लोगों को कहावत कहना रोक दिया और अच्छे से फैसला सुनाना शुरू किया। वुडन बस हेलीकॉप्टर। एक राज्य में सिंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सिंगापुर के लोग हर रोज सवेरे काम के लिए आसपास के शहर जाते थे। वो काफी व्यस्त रहते थे। उस गांव में दो बस थे, एक मक्खन नाम के व्यक्ति का था। मक्खन का बस नया नया था, अच्छे कंडीशन में था। दूसरा बस लल्लन नाम के व्यक्ति का था। उसके बस का पेंटिंग भी नहीं था और एकदम बुरा हाल था। सब मक्खन के बस में ही जाते थे। अंदर जगह ना होने पर बस के छत पर बैठकर जाते थे। बचे कुचे लोग ललन के बस में जाते थे। आइए आइए, कम से कम आप लोग तो आइए। अब आप बस को धक्का देंगे तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ऐसा कहता था। तब वे उस बस को धक्का देते थे। फिर बस में बैठकर यही टेंशन रहता था कि कहीं रास्ते में बस कहीं रुक ना जाए। एक दिन मक्खन लल्लन से, यार ये तेरा क्या जिद है? तेरे दादाजी बस चलाते थे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू भी उसी बस को चलाएगा? तुम अपनी दादी की बात छोड़ दो और किसी कबाड़ी को ये बस बेच दो। उन पैसों से कम एक हफ्ते के लिए तुम घर पर बिरयानी तो खा सकते हो। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? इस गांव का मैं ही किंग हूँ, तुम जोकर हो, ये बात समझो। ललन गुस्से से वहां से चला गया। दादी से, धत आज तुम्हारी वजह से मैं जोकर बन गया हूँ। दादी तुम कहती हो कि दादाजी का धंधा चलाओ, उसे संभालो, उनकी इज्जत को कायम रखो। अरे वैसे उन्होंने मुझे दिया क्या जो मैं उनकी इज्जत का ख्याल रखूं? जो 10 बस थे उन्हें बेचकर वो कहीं भाग गए। ये खटारा बस मेरे पल्ले बांधकर मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। पर दादाजी उन पैसों के साथ कहीं पर मस्ती कर रहे होंगे। अब इस बस का धंधा मैं और नहीं कर सकता। ऐसे ना कहो बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे दादाजी संकी जरूर है, पर वो बुरे आदमी नहीं है। मैं नहीं जानती कि उन्होंने बस क्यों बेचे और कहाँ गए, पर उसकी कोई ठोस वजह जरूर होगी, ये मैं कह सकती हूँ। ऐसे कह रही थी तो सारा घर एकदम से हिलने लगा, मानो कोई भूचाल आ गया हो। घर के सारे सामान नीचे गिरने लगे। दोनों डर गए। ये क्या दादी, अपने घर के नीचे की जमीन यूं क्यों कांप रही है? कोई हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनाई दे रही है। रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ, कहकर बाहर गया। ललन घर के चारों ओर देखने लगा। एक जगह उसके पैरों के नीचे लकड़ी की आवाज आई। वहां से घास को हटाकर देखा तो वहां एक लकड़ी का दरवाजा था। ललन उस दरवाजे को खोलकर अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो वहां एक वुडन बस हेलीकॉप्टर था। वहां ललन का दादा चलन, हे चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली अपनी सवारी, कहकर नाच रहा था। वो ललन को देखकर चौंक गया। ललन उनके पास गया। ए तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ आए कैसे? तुम अमेरिका से आए हुए जासूस हो ना? ठहरो, मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ, कहकर लकड़ी उठाया। दादाजी दादाजी रुको, मैं ललन हूँ, आपका पोता। ये हेलीकॉप्टर क्या है? ये अमेरिका के जासूस क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ दादाजी। अरे ललन, तू, मैंने तुझे तब देखा था जब तुम बहुत छोटे थे, इसीलिए तुम्हें नहीं पहचाना। 20 साल पहले मैंने ये बस हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके लिए मैंने अपने सारे बस बेच डाले। अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर कंपनी वालों को ये पता चला कि मैं बहुत कम खर्च पर एक हेलीकॉप्टर बना रहा हूँ। वो मुझ पर निगरानी करने लगे। वो मेरे प्रोजेक्ट को विफल करना चाहते थे बेटा, इसीलिए तब से मैं अंडरग्राउंड हो गया, तुमको भी नहीं दिखा। आखिरकार आज मेरी मेहनत रंग लाई है। सच पूछो तो बेटा, ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। मैं चाहता था कि तुम मेरी तरह बस चलाना छोड़कर ठाट से हेलीकॉप्टर चलाओ, यही मेरी इच्छा है। ललन बहुत खुश हुआ। अगले दिन ललन उस वुडन बस हेलीकॉप्टर को बस स्टैंड पर ले गया।
उसे देखकर मक्खन चौंक गया। आओ भाई आओ, आपके लिए मैंने हेलीकॉप्टर बस बनाया है, अब से आप अपने काम पर चुटकी बजाते ही पहुंच जाएंगे। आपको सवेरे जल्दी उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब से बस के ऊपर बैठकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर 10 मिनट में एक ट्रिप लगाऊंगा, आइए बस में बैठिए और बस के दाम पर ही हेलीकॉप्टर में यात्रा करें, कहकर आवाज देने लगा। सब खुश होकर उस बस हेलीकॉप्टर में बैठ गए, वो उड़कर चली गई। यूं ललन कई ट्रिप लगाने लगा। मक्खन के बस में कोई भी नहीं बैठ रहा था। इस तरह ललन तीर्थ यात्रा पैकेज, फैमिली पैकेज वगैरह का प्रबंध करने लगा और लोगों को देश भर में घुमाने लगा। लोग उसके हेलीकॉप्टर में बहुत आनंद लेने लगे। बहुत ही जल्द ललन ने लाखों रुपए कमा लिया। ये देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद मक्खन ने अपना सारा जायदाद बेचकर एक सचमुच का हेलीकॉप्टर ले आया। ये देखकर ललन, अरे नामाकूल, मेरे दादाजी ने 20 साल लगाकर ये वुडन हेलीकॉप्टर क्यों बनाया जानते हो? ये लकड़ी का बना है तो पेट्रोल की खपत ज्यादा नहीं होगी, ऊपर से इसमें 40 आदमी को बिठा सकते हैं। तुम अपने हेलीकॉप्टर में 4 लोगों को भी नहीं बिठा सकते। इसे तुम शेयर सर्विस पर लगाओगे तो हर महीने पेट्रोल के लिए नित नए बैंक से लोन लेने होंगे, इसलिए मेरी बात मानो, इसे बेच डालो। तुम्हारा घाटा सिर्फ 30-40 लाख रुपए का होगा, उससे बस खरीद सकते हो, समझे? कहकर चला गया। मक्खन सिर पीटता रह गया।